नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। रायबरेली जिले में रेल दुर्घटना, 30 लोगों की मौत। देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस के दो डिब्बे शुक्रवार सुबह रायबरेली जिले के बछरावा रेलवे स्टेशन के निकट पटरी से उतर गए। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 150 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। रेल विभाग ने दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दे दिए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लश्कर ए तैयबा की नज़र भारत पर, अमेरिका ने चेताया। अमेरिकी नौसेना के एक शीर्ष कमांडर एडमिरल सैमुअल जे लॉकलियर ने आगाह किया है कि अगले वर्ष के अंत तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य बलों की पूरी तरह से वापसी के बाद लश्कर ए तैयबा समेत पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूह अपनी गतिविधियां भारत में केंद्रित करेंगे। लॉकलियर ने कांग्रेस की सुनवाई के दौरान सांसदों से कहा कि दक्षिण एशिया में अलकायदा का ध्यान और भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा की नई शाखा की घोषणा से लगता है कि अलकायदा स्थापित आतंकवादी गुटों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि दक्षिण एशिया में जिहाद छेड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि सीरिया और इराक में जारी संघर्ष भारत एशिया प्रशांत के देशों से विदेशी लड़ाकों को आकर्षित कर रहा है। मौजूदा आकलन के अनुसार इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर लड़ रहे लगभग 1300 विदेशी भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। लॉकलियर ने कहा कि युद्ध के अनुभव के साथ घर लौटकर ये लड़ाके विश्व के सर्वाधिक घनी आबादी वाले इलाकों में क्षेत्रीय चरमपंथी नेटवर्कों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अमेरिका ने हाल में कहा था कि वह अफगानिस्तान में सैन्य बलों के समायोजन के बारे में शीघ्र ही घोषणा करेगा। श्रीलंकाई मामलों में हस्तक्षेप है, मोदी की जाफना यात्रा, चीन ने कहा। चीन के एक आधिकारिक थिंक टैंक ने तमिल बहुल जाफना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को श्रीलंकाई मामलों में हस्तक्षेप करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि चीन और श्रीलंका के संबंधों से जुड़ी हालिया घटनाएं बीजिंग का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त हैं। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के सहायक अनुसंधानकर्ता लियू जोंग ई ने एक लेख में लिखा कि मोदी की श्रीलंका यात्रा ने चीन समेत कई देशों के मीडिया का ध्यान खींचा है। इनमें से अधिकतर का यह मानना है कि कोलंबो द्वारा चीन के निवेश वाली परियोजनाओं को रोकने से नई दिल्ली बेहतर स्थिति में पहुंच गई है। खान एवं खनिज विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी। काफी विवादों और तकरार के बाद खान एवं खनिजों के मामले में राज्यों को और अधिक अधिकार देने वाले चर्चित विधेयक को अंततः शुक्रवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। कांग्रेस एवं वाम दलों को छोड़कर अधिकतर पार्टियों ने इसका समर्थन किया जबकि जदयू ने यह कहकर वॉकआउट किया कि वह इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। उच्च सदन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2015 को 69 के मुकाबले 117 मतों से पारित किया। नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, आईएएस अधिकारी गिरफ्तार। 58 वर्ष के एक आईएएस अधिकारी को 4 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और बलात्कार करने के आरोप में पुणे में गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएच सावंत यहां शिवाजी नगर में रहते हैं और कभी कभी हिंगेन खुर्द में एक स्कूल के नजदीक स्थित अपने ससुर के फ्लैट में जाया करते थे। सिंघड़ रोड पुलिस थाने के निरीक्षक बलवंत काशिद ने बताया कि सावंत हाउसिंग सोसाइटी की पार्किंग में खेलने के लिए आने वाली छात्राओं को पैसे और चॉकलेट का लालच दिया करते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी इन बच्चियों का यौन शोषण करने से पहले उन्हें कंप्यूटर पर अश्लील सामग्री दिखाया करता था। इन सभी लड़कियों की उम्र 10 वर्ष से कम है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।